एंड करदू एक चीज बड़ी मशहूर हुई थी जिसको वेस्टर्न यूरोपियन इवन यू ने बहुत शोहरत दी और बहुत फॉलो करने की कोशिश की इट इज कॉल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जी एन एच जो है वो जी डी पी तो आप जानते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम होती है या ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट होती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो जो फोर्थ किंग ऑफ भूटान थे किंग साई ने उन्होंने पहले कॉइन की थी या उन्होंने ये टर्म दी थी 1972 में उन्होंने ये कहा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो ग्रॉस नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है मैं कि आप कितना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं ये जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी हॉलिस्टिक अप्रोच को स्ट्रेस किया जाता है ताकि अगर आप तरक्की जिसको कह रहे हैं उस तरक्की की कीमत क्या है उसमें नुकसान क्या हो रहा है क्या पानी गंदा हो रहा है क्या आबादी जो है वो कुछ बहुत अमीर है और कुछ बहुत गरीब है क्या दरख्त कट रहे हैं क्या इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है क्या इनक्वेलिटी बढ़ गई है यानी माशरे में अमीर और गरीब का जो फ़र्क है बहुत बढ़ गया जैसा हमारे यहाँ है जैसे अमेरिका में है जैसे कैनेडा में है जैसे यूरोप में है यूरोप के कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के उनके यहाँ सस्टेनेबल नहीं है डेवेलपमेंट तो एक तो उन्होंने उसको स्ट्रेस किया उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मुआशी हम मज़ाहिर देखते हैं कि ये जी इनकी इकनॉमिक डिवेलपमेंट बड़ी हो रही है ये एक तरह की वेलबींग well है लेकिन जो नॉन इकनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वेलबींग के उनको इतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी के हम इकनॉमिक डेवलपमेंट को देते हैं अब ये फोर पिलर्स हैं इसमें गुड गवर्नेंस यानी अच्छे तरीके से चलती हुई हुकूमत सस्टेनेबल सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जो मुआशी भी हो माशरती भी हो लेकिन सस्टेनेबल हो वो जारी रह सके उसकी ऐसी कीमत ना हो जिसकी वजह से सोसाइटी के बाकी चीज़ें तबाह होने लग जाए कल्चरल प्रिजर्वेशन अपने कल्चर को बरकरार रखना उसको परवान चढ़ने देना उसकी वैल्यूज़ को गले से लगाना कल्चर को प्रिजर्व करना क्योंकि कल्चर एक ब्यूटी भी है और एक वे ऑफ लिविंग भी है और एक एहसास भी होता है बिलोंगिंग और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन्वायरमेंट को बचा के रखना इन्वायरमेंट का ध्यान रखना माहौल को साफ सुथरा और ख़ूबसूरत रखना ये चार पिलर्स हैं इस नॉन इकोनॉमिक वेलबींग के इसकी नाइन डायमेंशंस में ट्रांसफ़र होते हैं ये साइकोलॉजिकल वेलबींग एजुकेशन टाइम यूज़ कम्युनिटी वाइटेलिटी कम्युनिटी कितनी फलती फूलती और हंगामा खेज और पुरजोश और कुछ करते हुए नज़र आती हैं उसमें बहुत कुछ हो रहा है गुड गवर्नेंस अच्छी चलती हुई हुकूमत कल्चरल डाइवर्सिटी यानी जो तनवु है कल्चर का वो अपने पूरे तरीके से मौजूद है कोई एक ही रंग में नहीं रंगने की कोशिश कर रहे रिजिलियंस कोई मुश्किल आती है तो उससे दोबारा निकल आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रिजिलियंस यानी मालियात जो है हमारे इकोलॉजी जो है उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म का तनवह है डाइवर्सिटी है आ, फिश लाइफ भी है फॉरेस्ट लाइफ भी है फ्लोरा और फाना भी है तरह तरह के मौसम हैं तरह तरह के जानवर हैं और मुख्तलिफ किस्म के ख़ते हैं जोग्राफिकली पाकिस्तान में काफ़ी इकोलॉजिकल डाइवर्सटी है अगर हम उसको तबाह करें तो और रिजिलियंस यानी अगर कुछ नेचर में तबाही आती है जैसे फ्लड्स आए तो उसके बाद वो जगह दोबारा से अपनी असल हालत को लौट जाती है और लिविंग स्टैंडर्ड क्या लोग तमीज़ के तरीके से महजब तरीके से इस तरीके से रह रहे हैं कि वो एक डिसेंट लिविंग कही जा सके साफ सुथरी लिविंग कंफर्टेबल लिविंग कही जा सके कंफर्टेबल लिविंग का मतलब एक्सपेंसिव लिविंग नहीं होता डीएचए की सबसे बड़ी कोठी नहीं होती कव, एक लिविंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है साफ सुथरी आपकी ज़रूरत के मुताबिक की जिंदगी जो गांव में भी हो सकती है और किसी बड़े शहर के लग्जरी स्कीम में भी हो सकती है हाउसिंग ये भूटान की कुछ तस्वीरें हैं बुद्धिस्ट उनका कल्चर भी है और बुद्धिज्म उनका रिलिजन भी है तो उसके असूलों पर अमल करते हैं तो आपको मॉक्स नज़र आएंगे बीच में भी ये इनका लैंडस्केप ऐसा है कि उसमें इस तरह के पहाड़ों पे घर बने होते हैं और अभी मैं एक इलाका दिखाती हूँ कि आपको फिर ये मंजर याद आएगा ये इनके किंग है जो अपने लोगों से बात कर रहे हैं और कुछ दो खुशबाश भूटानीज कपल बूढ़े दो बूढ़े लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं करदू की तरफ आए लैंडस्केप बहुत खूबसूरत घर बहुत यूनिक तरीके से बने हुए लोग बहुत मिलनसार नरम मिजाज और झगड़ा ना करने वाले अपने माहौल को अच्छा रखने वाले ये कुछ बच्चे हैं और कुछ बूढ़े हैं हुआ सिर्फ ये है कि इसकी हैप्पीनेस इंडेक्स ना तो हमने निकाल ली है ना ये सारे जो फोर पिलर्स हैं इनको इंश्योर किया है जिनमें गुड गवर्नेंस कल्चरल प्रजर्वेशन सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें इनको इंश्योर किया जाए अब इसमें से एक सबक ये मिलता है इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की भूटान को देख लिया ना आपने पाकिस्तान के जो वेलबींग well के ये जो फोर पिलर्स हैं इन्हीं को देख लें तो आपको पाकिस्तान की ओवरऑल जो वेलबींग well है उसकी इंडेक्स बनाने में बड़ी आसानी होगी वैसे पाकिस्तान एक नंबर पर है और इंडिया एक नंबर पर है अफगानिस्तान इज द लोएस्ट एंड द दैपीएस्ट इज एक्चुअली फिनलैंड लेकिन ग्रॉस जो नेशनल हैप्पीनेस है उसमें भूटान ही अक्सर टॉप पे आता है और भूटान बार बार uh, कुछ कंट्रीज को पीछे छोड़ देता है गुड गवर्नेंस पाकिस्तान में है नो no कमेंट्स, अच्छी चलती भी गवर्नमेंट जो कि अपने लोगों की खैर खाओ और सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गंदे नाले ना चल रहे अगर एक तरफ प्लाजा खड़ा हो दोनों चीज़ें ठीक हों कल्चर को प्रिजर्व करना और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना तो जब ये देखेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैसे इंडिकेट होती है किस तरह वो अपने लोगों का सैंपल लेते हैं और उसमें से फिर ये निकालते हैं